मैदान का विकास हो, इस उद्देश्य से शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी प्रभाग क्रमांक 7 की ओर से महापौर दयाशंकर तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समेत अन्य लोग उपस्थित थे, जिस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर इस इंदौरा मैदान को बचाने की मांग की। शुक्रवार को अमनाशीष क्रिकेट क्लब इंदौरा मैदान और न्यू इंदौरा वासियों की ओर से प्रभाग क्रमांक 7 की नगर सेविका मंगला लांजवार इनके नेतृत्व और जितेंद्र घोड़ेस्वार इनके मार्गदर्शन में इंदौरा मैदान का विकास हो, इस उद्देश्य से महापौर दयाशंकर तिवारी को ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर कहा कि ऐतिहासिक इंदौरा मैदान का विकास होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का माजी जिला प्रभारी और प्रभाग क्रमांक 7 की नगर सेविका सौ मंगला योगेश लांजेवार इनका मिस्टर, मैं उस प्रभाग में हम एक तरीके से ये समझ कर चलिए कि उत्तर नागपुर में अगर कोई ऐतिहासिक अगर कोई मैदान होगा तो इंदौरा मैदान है। इस इंदौरा मैदान को ऐसा पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है, कई ऐसे देश की बड़ी बड़ी हस्तियाँ बड़े बड़े वक्ताओं का उस इंदौरा मैदान में प्रोग्राम चला है, कई ऐसे इविडेंस वहाँ पर हुए हैं जिसके कारण इंदौरा मैदान को ऐतिहासिक इंदौरा मैदान माना जाता है। लेकिन जब से हम लोग चुनकर आए 2017 से, यानी मेरी मिसेज जब से चुनकर आई वहाँ से नगर सेवक बनी, सारे जनता ने वोट देकर नगर सेवक बनाए, हम लोगों ने 2017 में सबसे पहले वहाँ पर रनिंग ट्रैक बने, वॉकिंग ट्रैक बने, खेलने का अच्छा तरीके से सुविधा हो, इसके लिए हमने यहाँ पर नागपुर महानगर पालिका में हमने डेपुटेशन दिए और एक फाइल बनाने लगाए थे। मैं बहुजन समाज पार्टी की नगर सेविका सोम मंगला योगेश गांजीवार प्रभाग 7 की, हमारे प्रभाग 7 में इंदौरा मैदान है, ऐतिहासिक मैदान है जो बहुत ही खराब है। इनका डेपुटेशन मैंने महापौर जी को दिया है, उनका दौरा करने का वादा किया है उन्होंने, और वो बहुत ही खराब है। जैसे मान लो एक गुंडा जैसे असामाजिक तत्व होता है, उसमें दारू पीते हैं, कांच फोड़ते हैं और बहुत सारी घटनाएं उधर होती है, मर्डर होता है, कोई ध्यान नहीं दे रहा अभी तक, और हम चाहते हैं कि उसका विकास हो। ये महापौर से हमने विनती की है, उन्होंने बोला है कि मैं दौरा करता हूँ और कुछ करना। इस वक्त आंदोलनकर्ताओं का कहना था कि इंदौरा मैदान यह एक ऐतिहासिक मैदान है, लेकिन उसकी हालत अब बहुत खस्ता हो चुकी है, जिसका विकास जल्द से जल्द होना जरूरी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ तिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।